सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2012. क्वेश्चन में आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है ए एन विच इज अ साइन पाई बाई एन. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. देन सुप्रीमम ऑफ ए एन की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो अगर सीक्वेंस में टर्म देखूंगा तो ए वन डेफिनेटली जीरो आएगा, ए टू आएगा आपके पास साइन पाई बाई टू विच इज वन, और देन ए थ्री की अगर बात करूंगा तो दिस इज पाई बाई थ्री एंड सो ऑन. ये वैल्यूज जो होंगी वो डिक्रीज करेंगी क्योंकि साइन का ग्राफ अगर देखेंगे तो साइन ऑफ एक्स कुछ ऐसा ग्राफ होता है. तो ये आपके पास ए वन जो है वो जीरो है, ठीक है, क्योंकि ए वन जीरो है, ए टू ये पॉइंट है, उसके बाद ये पाई बाई टू पे पॉइंट वैल्यू है, उसके बाद एन इक्वल टू थ्री रखेंगे तो ए थ्री ये है, ए फोर ये है, ए फाइव ये वैल्यू, ए सिक्स ये वैल्यू, ऐसे वैल्यू डिक्रीज हो रही है. आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सुप्रीमा वैल्यू ऑफ दिस सीक्वेंस ए एन इज जीरो एंड इट अटेंड. फॉल्स हो गया, जीरो नहीं है. सुप्रीमा वैल्यू क्या है आपके पास? वन है. सेकेंड, सुप्रीमा वैल्यू इज जीरो एंड इट डज नॉट अटेंड. फॉल्स ऑप्शन हो गया. थर्ड ऑप्शन, सुप्रीमा इज वन एंड इट अटेंड. सुप्रीमा वैल्यू डेफिनेटली वन है और एन इक्वल टू टू पे वो अटेंड हो रही है. तो थर्ड ऑप्शन ट्रू, फोर्थ ऑप्शन फॉल्स हो गया. तो फाइनल आंसर शुड बी थर्ड ऑप्शन ओनली. क्लियर?